उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में पार्टी के प्रवासी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक का आयोजन गुरुवार को गोरखपुर क्लब में किया गया। इस अवसर पर पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष उपेंद्र शुक्ला, पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष ललन त्रिपाठी, पूर्व राष्ट्रीय सचिव विनोद पांडे, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चिरंजीव लाल चौरसिया, सहजनवा के विधायक शीतल पांडे, गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह, बांसगांव के विधायक संत प्रसाद, पूर्व महापौर अंजो चौधरी, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष पुष्पदत्त जैन सहित पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री का स्वागत उन्हें पुष्प भेंट कर किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने पार्टी के कार्य योजनाओं को प्रस्तुत किया। इस दौरान डॉक्टर धर्मेंद्र ने केंद्र में मोदी और राज्य में योगी सरकार के कार्यों की प्रशंसा की। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपस्थित लोगों और आम जनमानस को कारगिल विजय दिवस और गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए उन्हें देश का लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री बताया। उन्होंने कहा कि आज से 4 वर्ष पहले देश दहशत और डर के माहौल में जीवन यापन कर रहा था, लेकिन 26 मई 2014 के दिन मोदी सरकार के कार्यभार संभालने के बाद से देश के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदी सरकार के राज्य में गरीबों के लिए तमाम योजनाएं चलाई गई हैं, जिसका जनता आभार व्यक्त कर रही है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने किसानों के लिए भी व्यापक कार्य योजना पर कार्य किया है, जिससे आज के किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में चीनी मिल, रामगढ़ ताल, आधुनिक बीआरडी मेडिकल कॉलेज सहित तमाम कार्य योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि अगर पार्टी के नवगठित सेक्टर प्रवासी मजबूत होंगे तो पार्टी और मजबूत होगा, और पार्टी मजबूत होगा तो तमाम विपक्षी गठबंधन पार्टियां टूटकर नस्ते नाबूद हो जाएंगी। अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 29 जुलाई को लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 60,000 करोड़ की रुपए से विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिससे यहाँ 2.5 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरी मिलेगी। जनता पार्टी परिवार के तरफ से मंचस्थ नेतृत्व वर्ग का और आप सभी नेतृत्व करने वाले जिले और महानगर के आदरणीय कार्यकर्ता भाइयों और बहनों का मैं हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। आज कारगिल विजय दिवस है। भारत माता के महान सपूतों ने, भारत माता के सम्मान की रक्षा के लिए तिरंगे ध्वज को लहराने के लिए प्राणों का विसर्जन किया था। आज मैं इस सभागार में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी परिवार के तरफ से उन सभी अमर शहीदों के श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं। इन जो 3 क्षेत्र अवशेष उत्तर प्रदेश के, उनकी बैठक आगरा में उन्होंने किया और कल कुशीनगर की तथागत की धरती पर हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन माननीय सुनील बंसल ने हमारे क्षेत्र के प्रभारी आदरणीय पंकज सिंह ने हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय रत्नाकर जी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र सिंह ने आगामी कार्य योजना के संदर्भ में कल विस्तार से चर्चा किया। हम सब प्रवासी की भूमिका में हैं। हमारे भूमिका के आधार पर नाथ महाराज पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज नरेंद्र मुख्यमंत्री, देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हो चुका। ताली बजा के जोरदार तरीके
अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। हम सभी के आस्था और विश्वास के केंद्र गोरखपीठाधीश्वर पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आगमन हो चुका है। वो महानगर की संयुक्त सेक्टर प्रवासी कार्यकर्ता बैठक में हम सबके बीच पूज्य महाराज जी का आगमन हो चुका है। पूज्य महाराज जी और मंचासेन सम्मानित पदाधिकारीगण दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ कर रहे हैं। पीछे जो लोग खड़े हैं, विनम्र आग्रह है और मीडिया के बंधुओं से आग्रह है कि कृपया सामने जो बैठे हैं उनके सामने से हट जाए तो अच्छा रहेगा। सोशल मीडिया के लोग हैं, अभी चित्र खींच करके सभी कार्यकर्ता बंधुओं से विनम्र आग्रह कर रहा हूँ कि अपने स्थान पर खड़े होकर के सामूहिक वंदे मातरम का गान करें। वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरम। वंदे मातरम सूर्यज्योत्सना पुलकितयामिनी कुलकुसुमिता द्रुमदल शोभिनी सुभाषिनी सुमधुरभाषिनी सुखदाम्बरदा मातरम। वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की भारत माता की। महेंद्र पाल सिंह की और श्री विवेकर के उनका स्वागत है। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं, उनसे विनम्र आग्रह है कि आवें और पूज्य महाराज जी का स्वागत करते हुए आज राठी जी, सम्मानीय विनोद कुमार पांडे जी, विधायक माननीय शीतल पांडे जी, पूर्व महापौर श्रीमती अंजू चौधरी, क्षेत्र के महामंत्री शाहजानंद राय जी, बैठक में उपस्थित गोरखपुर जनपद और महानगर का पूज्य महाराज जी का आगमन आज होना था। आज और कल दो दिन गोरखपुर में रहने वाले हैं और इसलिए सांसद के रूप में जब आप सबसे मिलते थे, सबसे वार्ता होती थी, तो उन्होंने कहा कि जो गोरखपुर जिले और महानगर के ऐसे प्रमुख कार्यकर्ता हैं उन सब कार्यकर्ताओं से एक बार मिलने जुलने का कार्यक्रम बनना चाहिए और इसलिए ये जो सेक्टर प्रवासी की रचना हुई है, इस सेक्टर प्रवासी में गोरखपुर जिले और महानगर के सभी प्रमुख कार्यकर्ता इसमें आ गए हैं और इसलिए आप सब की तरफ से मैं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। एक बार कर्तव्य ध्वनि के साथ पूज्य महाराज जी का अभिनंदन और स्वागत करें। हमारे केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के जो लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों की सूची भी देने वाले हम सेक्टर पर किट पर, और इसलिए जब हम अभी 15 दिन के बाद सेक्टरों में जाएंगे हम सब में वो कागज पर नहीं जमीन पर है और सब प्रकार के उस बूथ पर आने वाले 200-250 परिवार हैं, तो उन सब परिवारों में 1000-1200-1300 वोटर हैं, तो उन सबको लेकर उसमें से हमने मतदाता प्रमुख बनाया है जिसको BLA2 कहा है। वो BLA2 BLO के साथ मिलकर के वोटर रजिस्ट्री कराने का काम करेगा। 4 लोग हैं तो 8 लोगों का नाम है, 4 लोगों का नहीं है तो उन्हें भी जुड़वाना, वोटर लिस्ट को ठीक कराने का काम भी अभियान चला करके घर घर जा करके हमारे कार्यकर्ता करेंगे। हम भी तो रहे हैं
चाहे वो उज्ज्वला गैस कनेक्शन से लाभान्वित हो रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना, चाहे मुख्यमंत्री आवास योजना, या शौचालय से, या विभिन्न प्रकार की योजनाओं से, यानी उस बूथ में हम लाभार्थी की सूची भी देने वाले हैं और हर बूथ पर उन लाभार्थी प्रमुखों का सम्मेलन करना, उनसे संवाद स्थापित करना और उनसे मिलने जुलने का कार्यक्रम करना, संपर्क करना, ये सब प्रकार के काम हम बूथ पर करेंगे। आज कारगिल विजय दिवस है, मैं इस अवसर पर आप सबको कारगिल में हमारे जिन 72 जवानों ने आज ही के दिन 1999 में पाकिस्तान पर लगातार चौथी विजय इस देश को दिलाई है, और सभी बहादुर जवानों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन करता हूँ। विजय कारगिल विजय दिवस पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। 19 मार्च 2017 को प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शपथ लिया था। इस दौरान प्रदेश के अंदर संगठन सरकार के अनेक कार्यक्रमों में मुझे पूरे प्रदेश के अंदर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। 75 के 75 जनपदों में सरकार के कार्यक्रमों को लेकर के, संगठन के अभियान को लेकर के मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ, और 75 जनपदों के पूरे दौरे को करने के बाद गोरखपुर का मेरा यह पहला दौरा है जिसमें मैं संगठन के साथ सेक्टर प्रवासी कार्यक्रम, यानी गोरखपुर ने फिर सेक्टर प्रवासी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की शुरुआत कर दी है, और मैं अनुमान करता हूँ कि सभी 75 जनपदों में हम आगामी उस महीनों के दौरान इन सभी प्रकार की बैठकों के कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। इसके लिए हमें अभी से प्राणपूर्ण से लगना होगा, जिससे 2019 में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एक बार पुनः आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः इस देश का नेतृत्व देने और विश्व के सामने भारत को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के उस सपने को साकार कर सके, हम सबको इस अभियान के साथ जुड़ना होगा। एक बड़ी जिम्मेदारी है हम सब के ऊपर, और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दलों में इस देश के अंदर राजनीति को जाति, मत, मजहब और परिवार के दायरे से उभार करके इस देश के अंदर राजनीति को मूल्यों, आदर्शों, देश की परंपरा और देश की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करते हुए एक राष्ट्रवादी वैचारिक मूल्यों पर आधारित राजनीति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, तो वहीं अपनी नकारात्मक कृत्यों के कारण कांग्रेस, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस या राष्ट्रवादी कांग्रेस और इस देश के कम्युनिस्टों ने इस देश के अंदर एक नकारात्मक वातावरण बना करके एक विध्वंसात्मक राजनीति को परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, मत और मजहब के आधार पर विभाजनकारी अपने मंसूबों के कारण ये लोग इस देश के अंदर पूरे वातावरण में जहर घोलने का कार्य कर रहे हैं। हम सबके सामने स्थितियां स्पष्ट है। आपने विगत 4 वर्षों के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक उभरते हुए भारत को, एक संवरते हुए भारत को, विश्वास के साथ तन करके खड़ा होने वाले भारत की इस तस्वीर को देखा है। अनुमान करिए आज से 4 वर्ष पहले भारत की स्थिति क्या थी, जब पूरे देश के अंदर एक अविश्वास का सा वातावरण था, पूरे देश के अंदर लोगों के मन में एक आशंका थी, लोगों के मन में अपने नेतृत्व के प्रति अविश्वास था, देश के अंदर विकास के कार्य ठप पड़े थे, किसान आत्महत्या कर रहा था, नौजवान पलायन कर रहा था, और पूरे देश के अंदर लोगों में भय और दहशत का माहौल था।
दुश्मन देश लगातार भारत की सीमाओं का आक्रमण करते हुए हम सब की सुरक्षा पर सेंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी समय 2014 में इस देश में 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। भाइयों बहनों, पहले ही शपथ ग्रहण समारोह के बाद जब उन्होंने मीडिया से, उनका इंटरेक्शन होता है तो मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने एक बात कही, जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आखिर आपकी सरकार का भावी एजेंडा क्या होगा, तो प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, हमारी सरकार इस देश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और संपूर्ण देश को उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पूरे देश के हितों के लिए कार्य करेगी। भारत को दुनिया के सामने एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करते हुए इस देश के हर वर्ग की खुशहाली के लिए कार्य करेगी। आपने देखा होगा इस दौरान पहली बार हुआ जब इस देश के गरीब का भी बैंक में खाता हो सकता है। आप आश्चर्य करेंगे कि इन जो बैंक अकाउंट खोले गए हैं जनधन योजना में 86,000 करोड़ रुपए उन खातों में अब तक उन गरीबों ने जमा करके अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने का कार्य किया है। इस देश के अंदर हर गरीब के पास अपना आवास हो, 2 करोड़ गरीबों के लिए आवास बनाने के सपने को साकार करने का हो, या इस देश के अंदर 8 करोड़ उन गरीबों को जिनके पास अब तक अपने रसोई गैस का कनेक्शन नहीं था, उन्हें रसोई गैस के कनेक्शन देने की प्रक्रिया को सरलीकरण, निःशुल्क देना, इस देश के अंदर हर गरीब के पास अपना व्यक्तिगत शौचालय देने का कार्य रहा हो, या फिर इस देश के गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने का, इस देश के अंदर किसानों की खुशहाली के लिए जिस प्रकार की व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है, इन सब बातों को अगर आप देखेंगे तो पहली बार हो रहा है गरीब कल्याण की 100 से अधिक योजनाओं को इस देश के अंदर किसी सरकार ने इतने कम समय में लागू किया, तो देश के बुनियादी ढांचागत विकास के लिए भी अभूतपूर्व कार्य किए। आज दावे के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कह सकता है कि चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, और इस सपने को साकार करने का कार्य किसी ने किया है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हाईवे के निर्माण हो रहे हैं, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, 12 लेन, जिस युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ हुए हैं, एयर कनेक्टिविटी जिस तेजी के साथ बढ़ा है, रेल की सेवाओं ने जिस द्रुत गति से आगे कार्य करना प्रारंभ किया है, गांव गांव में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा करके लोगों को दुनिया की दूरी को सोशल मीडिया के माध्यम से और आधुनिक तकनीक के माध्यम से जहां और कम करने का प्रयास हुआ है, वहीं साथ ही साथ भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए अगर दिल्ली से 100 रुपया आएगा तो 100 रुपया उस गरीब के खाते में जाएगा, उस पर कोई डकैती डालने का दुस्साहस नहीं कर सकता है या करने का कार्य किसी ने किया है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उसी तर्ज पर हम लोगों ने भी प्रदेश के अंदर कार्य करना प्रारंभ किया। आपने देखा होगा कि प्रदेश के अंदर इस 15-16 महीनों के दौरान हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में 8,85,000 आवास गरीबों के बनाए, 4,12,000 आवास गरीबों को शहरी क्षेत्र में दिए, 1,10,000 शौचालय शहर और ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को उपलब्ध करवाए, 46 लाख विद्युत कनेक्शन, निशुल्क विद्युत कनेक्शन पूरे प्रदेश में वितरित करवाए गए। युद्ध स्तर पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए पहली बार हो रहा है प्रदेश के किसानों के खाते में सरकार की ओर से लगातार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, चाहे उनको किसानों के फसल ऋण माफी का रहा हो, चाहे वह गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान रहा हो, चाहे उनके उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम देने का रहा हो, हम लोगों ने 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि किसानों के खाते में DBT के माध्यम से देने का कार्य किया। एक बड़ी योजना के साथ पूरे प्रदेश के अंदर विद्युत वितरण की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का कार्य किया।
गोरखपुर का वासी हर व्यक्ति जानता है पहले बिजली मिलती नहीं थी, हमें सड़कों पर आंदोलन करना पड़ता था बिजली मिले इसके लिए। और आज गोरखपुर हो या सहारनपुर, आजमगढ़ हो या फतेहगढ़, महाराजगंज हो या झांसी, प्रदेश के अंदर हर ओर हर जनपद मुख्यालय पर 24 घंटे विद्युत की व्यवस्था, तहसीलों पर 20 घंटे विद्युत की व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे विद्युत की व्यवस्था हमारी सरकार ने समान रूप से पूरे प्रदेश के अंदर किया है। युद्ध स्तर पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। अंत्योदय हो या पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड, 37 लाख ऐसे राशन कार्ड पूरे प्रदेश में देने के कार्य हुए हैं। और साथ ही साथ विकास कैसे होना चाहिए, गोरखपुर उसका एक जीता जागता उदाहरण बन सकता है। गोरखपुर का 26 वर्षों से बंद खाद कारखाना आज युद्ध स्तर पर उसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। यहां पर वेक्टर जनित बीमारियों से प्रतिवर्ष होने वाली हजारों मासूम बच्चों की मौतें, विभिन्न बीमारियों से ग्रसित इस क्षेत्र में लोगों को उपचार के लिए दिल्ली मुंबई और देश के अन्य महानगरों के लिए जाना पड़ता था, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाते एम्स गोरखपुर में बन रहा है। युद्ध स्तर पर उसका कार्य निर्माण का कार्य चल रहा है। यहाँ के किसानों के जीवन में खुशहाली लाने वाली चीनी मिलें पिछली सरकारों ने बंद की थी, हमारी सरकार ने पूर्वांचल में 2 चीनी मिले, एक पिपराइच में और एक मुंडेरवा में, इन दोनों चीनी मिलों में, ये दोनों 2 नई चीनी मिलों का हम यहाँ निर्माण कर रहे हैं। तेजी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो सके इसकी तैयारी, जिला चिकित्सालयों में स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो सके उसके लिए युद्ध स्तर पर किए जा रहे कार्य, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इन सभी में युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। तो पर्यटन की दृष्टि से रामगढ़ ताल की सुंदरीकरण की योजना को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। यहाँ के नौजवानों को जवानों के लिए वाटर स्पोर्ट्स की सुविधा प्रदान करने का कार्य हो रहा है। गोरखपुर में भी एक अत्याधुनिक चिड़ियाघर का निर्माण हो इस दिशा में युद्ध स्तर पर कार्य आगे बढ़ रहे हैं। मार्गों के निर्माण का कार्य गोरखपुर सोनी हो या फिर गोरखपुर से बीआरडी मेडिकल कॉलेज भटट होते हुए महाराजगंज के लिए इस मार्ग के 4 लेन में बनाने का, गोरखपुर देवरिया, गोरखपुर से वाराणसी, इन सभी मार्गों के निर्माण का कार्य भी युद्ध स्तर पर है। गोरखपुर महानगर के जनपद के अंदर अन्य कार्यों को द्रुत गति से आगे बढ़ाना, वर्षों से जिन सेतुओं के निर्माण की मांग लोग कर रहे थे, तरकुलानी में बहुत वर्षों से मांग, 1956 से मांग हो रही थी कि तरकुलानी में एक पंपिंग स्टेशन की स्थापना होनी चाहिए, नहीं हो पा रही थी। हम लोग आज उसका शिलान्यास करके उसके कार्य को भी आगे बढ़ा चुके हैं। जगह जगह जहां जो कार्य जहां पर वहां की आवश्यकता, सेतु का हो, डिग्री कॉलेज का हो, पॉलिटेक्निक का हो, आईटीआई के निर्माण का हो या विकास की अन्य चिकित्सालयों के निर्माण का हो, फायर ब्रिगेड के टेंडर की स्थापना का हो या फिर किसी अन्य योजना को आगे बढ़ाने का, युद्ध स्तर पर विकास के कार्यों को इसलिए आगे बढ़ाया जा सका है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और अपने रचनात्मक सोच और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जनता के सामने जो वायदे किए थे ईमानदारी पूर्वक उनको आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। आज जब ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए से आज यहाँ पर जो इस समुदाय बैठा है इसकी एक बड़ी भूमिका होने वाली है। आप सेक्टर प्रवासी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के 2019 के उस अभियान में अग्रिम पंक्ति के योद्धा के रूप में आपकी बड़ी भूमिका होनी है और उस बड़ी भूमिका के लिए आप सबका आह्वान करने के लिए आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ कि हमें 2019 की तैयारी किस रूप में करनी है। अभी से बूथ प्रबंधन की तैयारी, लेकिन बूथ प्रबंधन की तैयारी आप तब करेंगे जब वहां पर उस प्रकार का वातावरण आप बना दें। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को पहले उस क्षेत्र विशेष में खूब प्रचार प्रसार करना, वो वाल राइटिंग के माध्यम से हो सकता है, वह व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से हो सकता है, वहां पर टीम गठित करके एक अभियान को वहां पर आगे बढ़ा करके हो सकता है,
अपने समान विचारधारा से जुड़े हुए संगठनों के साथ बेहतरीन तालमेल करके और उनको आगे उनको साथ लेकर के इस अभियान को बिना भेदभाव के हर जाति हर मत हर संप्रदाय के बीच तक पहुंचाने का हो युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और उस अभियान में आपकी बहुत बड़ी भूमिका होनी है। भारत निर्वाचन आयोग आज भी इस बात को कहता है कि उत्तर प्रदेश में जो कुल मतदाता हैं उन मतदाताओं में से 52 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम अभी भी मतदाता सूची से गायब है। इन 52 लाख मतदाताओं को मतदाता कौन बनाएगा? और मैं यह दायित्व आपको देता हूं कि आप इन मतदाताओं को मतदाता बनाकर के उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को दिलाने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लें। ये केवल 52 लाख ही नहीं, जहां पर मतदाता सूची में तमाम प्रकार की गड़बड़ियां पिछली सरकारों के कार्यकारण हुई हैं, उसको दुरुस्त करते हुए हम सबको पूरी प्रखरता के साथ और पूरी प्रमाणिकता के साथ फर्जी मतदाताओं का नाम हटाना और 18 वर्ष 1 जनवरी 18 को जो नौजवान 18 वर्ष का हो गया उसका नाम मतदाता सूची में डलवाने का कार्य करना, एक अभियान के रूप में इसको लेना पड़ेगा। एक एक बूथ स्तर पर बीएलए के माध्यम से एक टीम गठित करके हम जब मतदाता पुनरीक्षण के इस अभियान को अपने हाथों में अपनी देखरेख में बनाएंगे तो इस देश के प्रदेश के उन 52 लाख मतदाताओं को जो अब तक मतदान से वंचित किए जाते रहे हैं उनको हम उनका लोकतांत्रिक अधिकार देकर के सही मायने में एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसलिए सबसे पहला कार्य मतदाता सूची के पुनरीक्षण की इस कार्रवाई को आगे बढ़ाना, दूसरा मतदान बूथों के बारे में जांच करना। आप देखते होंगे एक बड़ी संख्या ऐसी है जहां पर एक मोहल्ले के आधे लोग उस मोहल्ले के नजदीक के बूथ में मतदाता हैं और आधे लोग वहां से 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर दूर मतदान करने के लिए जबरदस्ती उनका नाम डाल दिया गया। हम इसको दुरुस्त कर सकते हैं, कौशल हमारे पास है, इन बूथ संरचना को भी दुरुस्त करना जिससे हर एक मतदाता को सबसे नजदीक के बूथ में मतदान करने का अवसर प्राप्त हो सके और वह अपने मताधिकार का ईमानदारी पूर्वक वहां पर जाकर के उपयोग भी कर सके, इसमें हमें रुचि लेनी पड़ेगी। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर के वॉल पेंटिंग करवाना, इस वॉल पेंटिंग में आप प्रशासन का भी सहयोग ले सकते हैं, प्रशासन से कह सकते हैं कि भाई कंपटीशन कराओ। कंपटीशन किस बात का? प्रधानमंत्री आवास योजना का, कि प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों के लिए अच्छे स्लोगन के साथ कौन से ऐसे स्लोगन हो सकते हैं जिससे लोग प्रभावित हों और इन योजनाओं के बारे में जान सके। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो या शहरी हो, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण की कार्रवाई, उस शहर की सांस्कृतिक उस क्षेत्र की स्थानीय पहचान से जुड़े हुए चित्रों को बनाना, दीवारों पर बनाना, फोकस करना उन सब कार्यों को लेकर के, स्वच्छता मिशन को लेकर के नए स्लोगन देना, जनधन योजना को लेकर के, जीवन ज्योति योजना को लेकर के, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लेकर के, रोजगार को लेकर के, प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट को लेकर के, प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट की कार्रवाई हो या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंडअप योजना, स्टार्टअप योजना, ये जितनी भी योजनाएं हैं इन सब को फोकस करते हुए जब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे वॉल राइटिंग के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। ये वॉल राइटिंग चुनाव में भी चुनाव आयोग मिटाएगा नहीं, क्योंकि वह प्रचार किसी पार्टी का नहीं, वो जो सरकार का प्रचार है और वह जनता के हित में है। तो मुझे लगता है जब चुनाव के दौरान मीडिया के कैमरे घूमेंगे तो मीडिया के कैमरे भले ही आपका नाम न ले लेकिन गाये बढ़ाए उनकी नजरों में चित्र आएंगे जो स्वच्छ भारत अभियान को लेकर के आपने स्लोगन लिखे हैं। स्वच्छ भारत मिशन या प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्टैंडअप योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना, ये जितनी योजनाएं हैं
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, ये जितनी योजनाएं हैं, इन योजनाओं को अगर आप वॉल राइटिंग के माध्यम से प्रशासन पर दबाव बना करके प्रशासन के सहयोग से उनको चित्रों कार्टून के माध्यम से और अच्छे स्लोगन के साथ अगर आप वॉल राइटिंग के साथ उसको जोड़ते हैं तो ये मौन आपका प्रचार का एक बड़ा अभियान वे दीवाने करती हुई दिखाई देंगे, दीवानों की भी सूरत बदल जाएगी और साथ साथ प्रचार भी हो जाएगा और शासन की योजनाओं को उन गरीबों तक, उन जरूरतमंदों तक पहुंचाने का एक पुण्य का कार्य भी आपके साथ जुड़ जाएगा। इस अभियान को युद्ध स्तर पर लेने की आवश्यकता है और उस अभियान के साथ अगर हम चाहेंगे तो वास्तव में एक बहुत बड़ी संख्या को जोड़ सकते हैं। मैं अक्सर इस बात को देखता हूं, लोग एक वातावरण बना रहे हैं, जो लोग हताश हैं, जो निराश हैं, जो लोग हर प्रकार से जिन्हें जनता ने ठुकरा दिया है 2014 में 2017 में देश के अंदर हुए विभिन्न चुनावों में जहां पर जनता ने व्यापक समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है, आज वे सभी राजनीतिक दल हताश और निराश हैं और हताश और निराश में अनर्गल प्रलाप करते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विभिन्न प्रकार के आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं। वे कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा विरोधी है। उनसे पूछा जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जिसमें एक गरीब का बेटा भी और एक पिछड़ी जाति में पैदा होने वाला परिवार का एक बेटा भी देश के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री के पद पर भी बैठ सकता है, केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर संभव है। एक सामान्य परिवार में जन्मा व्यक्ति भी उच्च से उच्च पदों पर जाकर के वह किसी भी पार्टी का संगठन का पद हो या सरकार का पद हो वह उस पद पर जा सकता है या कार्य कहीं हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही संभव है, या कार्य कांग्रेस में सपा बसपा के अंदर नहीं संभव हो सकता। कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता, बहुजन समाजवादी पार्टी में मायावती जी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता, तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता, ऐसे अन्य दलों के साथ भी जुड़ा हुआ है, ये परिवार तक सीमित हो चुके हैं, व्यक्ति तक सीमित हो चुके हैं, जाति तक सीमित हो चुके हैं, इनसे राष्ट्र की बात करना, इनसे किसी राजनीतिक मूल्य और आदर्शों की अपेक्षा करना अपने आप में बेमानी होगी और इस विषय एक व्यापक अभियान चलाने की आवश्यकता है कि अगर देश के अंदर अकेले उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में 1,10,00,000 शौचालय बने हैं वह किसी गरीब, किसी वंचित, किसी दलित और किसी पिछड़े जाति के ही बने हैं, वह किसी उन लोगों के नहीं बने हैं जिसके पास पहले से मौजूद है। अगर प्रदेश के अंदर 12,00,000 से अधिक आवास बने हैं या किसी गरीब, किसी वंचित और किसी दलित के ही बने हैं, अगर प्रदेश के अंदर 1,00,000 करोड़ से ऊपर की धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजेक्शन के माध्यम से किसानों के खाते में गया है तो प्रदेश के लघु सीमांत और अन्य सामान्य किसानों के खाते में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए किया है। अगर विकास के कार्य जो आपको गोरखपुर में या आसपास के क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं, गांव गांव में दिखाई दे रहे हैं, अगर ये कार्य संभव हो पाए हैं तो इसलिए हो पाए हैं, इन कार्यों के माध्यम से एक सामान्य नागरिक के जीवन में भी खुशहाली लाई जा सके और इस दृष्टि इस अभियान को व्यापक प्रचार प्रसार करना, व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से अपने सेक्टर, अपने बूथ की संरचना और उसके प्रबंधन को आगे बढ़ाने का कार्य करना, ये कार्य जब तेजी के साथ आगे बढ़ेगा तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका बूथ प्रबंधन, सपा बसपा कांग्रेस आरएनडी जितने भी अन्य पीस अपीस जितने भी ये लोग आएंगे, इन सबको पूरे गठबंधन को ध्वस्त करने में पूर्णतः सफल हो सकता है और उस सफलता के लिए आज आपका आह्वान करने के लिए मैं आपके पास विशेष रूप से आया हूं। हम लोगों को बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे हैं जिसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा, खासतौर पर जैसे 1 अगस्त से 30 अगस्त तक ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का एक नया सर्वेक्षण प्रारंभ हो रहा है, ग्रामीण
क्षेत्र में स्वच्छता की रैंकिंग आने जा रही है और उस रैंकिंग में हम सब भी भागीदार बन सके, हमारा गांव, हमारा क्षेत्र, हमारा जनपद भी उसमें सहभागी बन सके, उसका भी नाम अच्छे आ सके। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का एक दायित्व बनता है कि वह इस अभियान का हिस्सा बने। शहर हो या गांव, पूर्ण स्वच्छता के इस अभियान को आगे बढ़ाना, प्लास्टिक मुक्त हमारा जनपद हो, हरा भरा और स्वच्छ और सुंदर हमारा जनपद हो, इस अभियान को लेकर के हमें कार्य करना होगा। याद रखना, हमने 15 जुलाई से 50 माइक्रोन की प्लास्टिक को रोका है, 15 अगस्त से प्लास्टिक के कप, गिलास, प्लेट, पॉलिथीन या जितना चम्मच होते हैं सबको हम पूरी तरह रोक रहे हैं, और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से पूरे प्रदेश के अंदर जितना भी डिस्पोजेबल प्लास्टिक होगा इस पर पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। इसको प्रतिबंधित करने के लिए नोटिफिकेशन हम लोग जारी कर चुके हैं। यह पॉलिथीन केवल मनुष्य के लिए ही हानिकारक नहीं, पर्यावरण के लिए भी खतरनाक है, जीव सृष्टि के लिए खतरनाक है। और इस प्लास्टिक के कारण मनुष्य में लखनऊ में एक केंद्रीय संस्थान है CDRI, उसने वहां पर जो शोध किया है 14 प्रकार के कैंसर प्लास्टिक के माध्यम से पैदा हुए हैं। 14 प्रकार के कैंसर, आप सोच सकते हैं किसी परिवार में दुर्भाग्य से किसी व्यक्ति को अगर कैंसर हो जाता है पूरा परिवार तबाह हो जाता है। भाइयों बहनों, ये बीमारी व्यक्ति अपनी सुविधा और शॉर्टकट का मार्ग अपनाने के कारण स्वयं अपना रहा है। हम इनसे समाज को मुक्त करने के इस अभियान में सहभागी बने। 15 अगस्त देश की स्वाधीनता का दिवस है और मैं आह्वान करूंगा हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर बूथ पर, उससे जुड़ा हुआ गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, मोहल्ला हो, हर बूथ पर वृक्षारोपण के अभियान के साथ अपने आप को जोड़े। जो कार्यकर्ता जिस वृक्ष को लगाएगा उस वृक्ष की सुरक्षा को भी, उसके संरक्षण का भी और उसके संवर्धन का भी प्रबंध वह स्वयं करे। एक व्यापक अभियान चलना चाहिए। जो आप जिसके माध्यम से लोगों के लिए प्रेरणादायी बन सके। प्रदेश आज विकास के पथ पर अग्रसर है, यह वही प्रदेश है जहां पर 15-16 महीने पहले अविश्वास का वातावरण था, भय व्याप्त था, असुरक्षा का वातावरण था, किसान आत्महत्या कर रहा था, नौजवान पलायन कर रहा था, प्रदेश में दंगे होते थे, प्रदेश देश के अंदर बदनाम बन चुका था। आज यही प्रदेश है जिस प्रदेश में लोगों के अंदर एक नया विश्वास जागृत हुआ है। आज पूरा देश और पूरी दुनिया अपना पैसा उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करना चाहता है, क्योंकि उसे विश्वास है हम उत्तर प्रदेश में जाएंगे कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, हम उत्तर प्रदेश में जाएंगे हमारी सुरक्षा की गारंटी उत्तर प्रदेश के अंदर मिलेगी। और इस बात को लेकर के व्यापक निवेश और उस निवेश के माध्यम से व्यापक रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाना। आज यही निवेश का परिणाम है कि हम गोरखपुर में तमाम अन्य नए नए उद्योग धंधों को लेकर के आ रहे हैं। गोरखपुर में कैंपियरगंज के पास एक नया फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना हो रही है, तो हमारा प्रयास है कि धोलियापार में 1200 करोड़ रुपए की लागत से 2G इथेनॉल प्लांट की स्थापना की कार्रवाई हमारे अंतिम चरणों में चल रही है। आप सोचिए 1200 करोड़ रुपए, कम से कम 2000 नौजवानों को सीधे नौकरी, 5000 से अधिक लोगों को डायरेक्ट रोजगार और 50,000 किसानों को इनडायरेक्ट उसके माध्यम से नौ रोजगार की सुविधाएं प्रदान होने वाली है। एक यूनिट लगने से, और उसमें किसानों को कुछ नहीं करना, जिस खरपतवार को वे अपने खेत में आग लगा देते हैं उस खरपतवार को एकत्र करके एक जगह इकट्ठा कर देना है और उस 2G इथेनॉल प्लांट से जुड़े हुए लोग आएंगे, उस कबाड़ का पैसा किसान को देंगे और उसी को उस फैक्ट्री में लेके जाएंगे और उसी से डीजल बनाने का काम करेंगे। कितना बड़ा बचत होगा, डीजल गोरखपुर में बनेगा तो पैसा अरब देशों में जाने से बचेगा।
भारत का पैसा भारत में लगेगा, भारत का पैसा भारत के किसानों के चेहरे पर समृद्धि लाने का कार्य करेगा और भारत के नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का कार्य करेगा। आज अगर हम करंट पाने में सफल हो रहे हैं इसलिए क्योंकि सुरक्षा का एक वातावरण हम लोग प्रदेश के अंदर दिए हैं। इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हमने फरवरी में 21-22 फरवरी को उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था और उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट के बाद आज पूरे प्रदेश के अंदर पहली बार हो रहा है जब 29 जुलाई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी लखनऊ में 60,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का एक साथ शिलान्यास लखनऊ में करेंगे। 60,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं होंगी। 60,000 करोड़ के माध्यम से 2.5 लाख नौजवानों को हम सीधे सीधे नौकरी देंगे। एक बड़ा अभियान पूरे प्रदेश के अंदर। इसके बाद 3 महीने के बाद फिर 25 से 30 हजार करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं का शिलान्यास फिर हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर करेंगे। 28 जुलाई को भी प्रधानमंत्री जी लखनऊ में आएंगे। 28 जुलाई को स्मार्ट सिटी और अमृत योजना के अंतर्गत जिन नगरों में कार्य हो रहे हैं उन कार्यों को आगे बढ़ाने के साथ साथ प्रधानमंत्री जी के हाथों हम प्रदेश के अंदर 1,01,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त की राशि उनके हाथों से आवंटित करने का कार्य भी करेंगे। 1,01,000 आवास सपा बसपा के पूरे कार्यकाल के दौरान प्रदेश के अंदर नहीं मिला होगा। हम एक दिन में प्रधानमंत्री जी के हाथों क्लिक करके इतनी धनराशि और इतने बड़े आवास एक साथ प्रदेश के अंदर देने जा रहे हैं। मेरा आप सबके साथ आह्वान होगा, भारतीय जनता पार्टी देश की सुरक्षा, देश की समृद्धि, भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के जिस अभियान के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है, हम सबका दायित्व बनता है कि हम भारत के यशस्वी नेतृत्व पर विश्वास करते हुए हम भारत के अंदर जो वातावरण आज विश्वास का बना है इस विश्वास के वातावरण को जमीनी धरातल को उतारने का कार्य करें और इसके लिए बूथ संरचना मजबूत करें, बूथ प्रबंधन को और आगे करें, मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे करें और फिर इस अभियान को पूरा करने के साथ हमारा प्रयास है कि अगले महीने क्षेत्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक एक सम्मेलन का कार्यक्रम प्रारंभ होना है और जब क्षेत्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अगले माह क्षेत्रीय सम्मेलन के कार्यक्रम होंगे जिसमें बूथ अध्यक्षों की उपस्थिति होनी है, 100% बूथ अध्यक्षों की उपस्थिति हो और हर एक बूथ अध्यक्ष के साथ अपनी स्वयं की 10 से 15 कार्यकर्ताओं की एक नई टीम भी उनके साथ हो, इस अभियान का हिस्सा हम सबको बनना पड़ेगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार पुनः गोरखपुर जनपद और गोरखपुर महानगर के आज इस कार्यक्रम में उपस्थित 335 जो सेक्टर प्रवासी यहां पर उपस्थित हुए हैं, क्षेत्र के जो पदाधिकारी हैं, जनपद और महानगर के जो पदाधिकारी यहां पर उपस्थित हुए हैं, आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब मिलकर के 2019 को भारत के लिए यशस्वी नेतृत्व आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक बार पुनः हम लोग इस देश को एक यशस्वी नेतृत्व के रूप में आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे पाएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। हम सभी और महानगर एवं गोरखपुर जनपद के सभी कार्यकर्ताओं के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं मैं।